हेलो स्टूडेंट, आई एम आयशा एंड हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3 और उसका अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? फिर से क्वेश्चन देखिएगा। किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने की 10 आवर्स के बाद जो है कमरे का तापमान क्या होगा। देखिए, मैंने इसको इस तरह से किया है। कमरे का प्रारंभिक तापमान देखिए क्या है, हमारा 40 डिग्री सेल्सियस है। अब प्रति घंटे तापमान में कमी कितनी हो रही है? कम हो रहा है हमारा 5 डिग्री सेल्सियस। 40 में से 5 डिग्री हमारे सेल्सियस कम हो रहा है। फिर 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? चलिए हम लोग मानते हैं वर्तमान तापमान हमारा क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 घंटे के बाद, देखिए 10 लिया मैंने इसको, फिर मल्टीप्लाई कितने की दर से, प्रति घंटे तापमान में कमी कितने, -5 डिग्री सेल्सियस की दर से। तो ये हमारा है 40 प्लस माइनस माइनस, और ये देखिए मैंने इधर यहाँ किया है -5, 10 मल्टीप्लाई 10 फाइव ज़ा 50, तो -50 डिग्री सेल्सियस। अब हम 40 में से -50 करेंगे या 50 में से 40 करेंगे तो हमारा आएगा 10, माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, हमारा आएगा 10 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसको किस तरह से करना है। जैसे मान लीजिए हमारा 100 है, तो 5 1 5 5 2 10, ये कैसे कम हो रहा है देखिए, पूरा मैंने 50 तक लिया है। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगी। देखिए, किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में, मतलब कहीं पर कोई हिमीकरण है, वहाँ पे ठंडी प्रक्रिया चल रही है, ठंडा काम चल रहा है, कमरे के तापमान का वहाँ क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से हमारे कमरे का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस और 5 सेल्सियस प्रति घंटे की दर से क्या होता है, तापमान हमारा गिर रहा है। तो इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? पहले भी मैंने बताया, बाद में भी बता रही हूँ, कमरे का प्रारंभिक तापमान हमारा है 40 डिग्री सेल्सियस। अब कमी कितनी हो रही है, 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है। अब 10 घंटे तक कम हो रहा है, तो देखिए मैंने 10 घंटे तक का मैंने चार्ट बनाया था, 5 5 5 5 करके ना, ये तो खैर मल्टीप्लाई मैं बता रही हूँ समझाने के तौर पे। फिर देखिए 10 घंटे के बाद वर्तमान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है और कम 10 घंटे बाद तो +10, फिर मल्टीप्लाई कितने की दर से, -5 की दर से, तो 40 माइनस प्लस माइनस 10 फाइव ज़ा 15, माइनस है तो माइनस लगेगा ही। अब देखिए 15 में से 40 गए तो 10 डिग्री सेल्सियस -10, ये है इसका आंसर। थैंक यू सो मच।